हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, इसको हम डाउस प्रोसेस भी कहते हैं और यूएसए की कंपनी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। देन फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स एंड फ्रॉम कोल टार। पहले डाउस प्रोसेस, इसमें हाइड्रोलिसिस होती है क्लोरोबेंजीन की विद एक्वस NaOH हाई टेम्परेचर और प्रेशर में, जिसके बाद हम ट्रीट करते हैं डाइल्यूट HCl से, तो हमको फिनॉल मिल जाता है। नेक्स्ट है फ्रॉम क्यूमीन, इसमें हम एयर ऑक्सीडेशन करते हैं क्यूमीन की या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसके बाद हम डाइल्यूट HCl से ट्रीट करते हैं, तो हमको फिनॉल प्लस एसीटोन मिलता है। देन जो 80% फिनॉल होता है वो एज इट इज़ हमको मिलता है, और ये मोस्ट सक्सेसफुल मेथड है। मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनेट, इसमें हम फ्यूजन करते हैं बेंजीन की सॉलिड NaOH से एट 30 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद हम ट्रीट करते हैं HCl से, तो हमको फिनॉल मिल जाता है। है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स, तो हम फिनॉल को वॉर्म करते हैं सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, और इसको जो हमने एनिलीन से प्रिपेयर करते हैं वाटर बाथ पे 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमको फिनॉल मिल जाता है। नेक्स्ट है फ्रॉम कोल टार, तो जो कोल टार होता है ये नेचुरल सोर्स होता है फिनॉल्स और क्रिसॉल्स के लिए। फिनॉल्स को हम रिकवर करते हैं इस सॉल्यूशन से, इसको कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू पास कर देते हैं। पहले फिनॉल को NaOH से रिएक्ट करवाते हैं और फिर उसको CO2 और वाटर के थ्रू पास कर देते हैं, तो फिनॉल मिल जाता है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स या केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो ये शो करता है रिएक्शंस OH ग्रुप के और बेंजीन रिंग के। पहले रिएक्शंस ऑफ OH ग्रुप में होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स, रिएक्शन विद FeCl3 फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो जो फिनॉल होता है वो एसिडिक होता है नेचर में, और वो रिएक्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम मेटल के साथ और सॉल्ट फॉर्म करता है। देख सकते हैं ये सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म करता है। नेक्स्ट फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन, तो ये पर्पल कलरेशन देता है जब हम इसमें हाफ ड्रॉप डालते हैं न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन की, और कलर चेंज इसलिए होता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है ये। जैसे हमने फिनॉक्साइड लिगेंड लिया और उसमें न्यूट्रल FeCl3 डाला, तो एक वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स, तो ये एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है एक्वस बेसिक सॉल्यूशन में, ताकि फिनाइल एस्टर्स फॉर्म कर सके। जैसे यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बना, फिर सोडियम फिनॉक्साइड को फर्दर रिएक्ट करवाया तो फिनाइल एसीटेट बना या फिनाइल बेंजोएट फॉर्म किया। रिएक्शन करते हैं फिनॉल का बेंजोइल क्लोराइड के साथ, उसको हम स्कॉटन बोमैन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, और ये नेम्ड रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ ईथर, तो जो फिनॉल है वो रिएक्ट करता है एल्काइल हैलाइड्स के साथ बेसिक सॉल्यूशन में फिनाइल ईथर फॉर्म करने के लिए, और जो बेस पहले फॉर्म हो रहा है फिनॉक्साइड आयन, वो रिएक्ट करता है एल्काइल हैलाइड से, होता है फिनोटोल या फिर इथाइल फिनाइल ईथर्स। दूसरा इसमें क्या हो सकता है, ये डाइमिथाइल सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है बेसिक सॉल्यूशन में एनी सोल बनाने के लिए, या फिर मिथाइल फिनाइल ईथर, जैसे NaOH के साथ रिएक्ट करा और फिर फर्दर इसको रिएक्ट किया तो हमें एनी सोल मिल गया। रिएक्शन है रिएक्शन विद जिंक डस्ट, जब हम फिनॉल को डिस्टिल करते हैं जिंक डस्ट के साथ, तो लो यील्ड मिलती है हमें बेंजीन की। थे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन,
नाइट्रोसेशन, सल्फोनेशन, रिमटीमर रिएक्शन, कोलवेज रिएक्शन, गेटरमैन कॉच रिएक्शन, फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, रिएक्शन विद पैथालिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। रिएक्शन में फिनॉल को हम ब्रोमीन वाटर या एक्वस ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको मिलता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। देन नाइट्रेशन में फिनॉल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलता है। उसे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें पिक्रिक एसिड या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल मिलता है। देन नाइट्रोसेशन में हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं और फिर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें पैरा नाइट्रोसोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलता है। और जो नाइट्रस एसिड होता है ये हमको मिलता है NaNO2 और HCl से एट 5 डिग्री सेल्सियस। सल्फोनेशन में फिनॉल को हम रिएक्ट करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से 20 डिग्री सेल्सियस पे तो ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड मिलता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पैरा फिनॉल सल्फोनिक एसिड मिलता है। देन रीमटीमर रिएक्शन, जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH से रिएक्ट करवाते हैं फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सैलिसिलेल्डिहाइड मिलता है। हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज़ करते हैं क्लोरोफॉर्म की जगह तो सैलिसिलिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट है कोलबेज रिएक्शन, तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन को ट्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस पे 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे सोडियम सैलिसिलेट फॉर्म हो जाता है। देन हाइड्रोलाइज करवाते हैं तो सैलिसिलिक एसिड फॉर्म हो जाता है। देन नेक्स्ट है गैटरमैन रिएक्शन, तो इसमें फिनॉल को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन साइनाइड से या HCl से हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट। देन फिर वाटर ऐड करते हैं तो सैलिसिलडिहाइड फॉर्म हो जाता है या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। फ्राइज रीअरेंजमेंट, तो इसमें फिनॉल को रिएक्ट करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में तो हमें फिनाइल एसिटेट एस्टर मिलता है। देन एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं तो हमको ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल मिलता है। देन जो एसाइल ग्रुप होता है वो माइग्रेट करता है फिनॉक्साइड ऑक्सीजन से ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे रिंग की, और ये बाकी फिनॉल्स भी देते हैं और ये COR ग्रुप जो है उसे इंट्रोड्यूस कर देता है ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। है रिएक्शन विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और फिनॉल का हम कपल लेते हैं, मतलब दोनों को एक साथ लेते हैं, उसको एल्कलाइन सॉल्यूशन में डालते हैं NaOH और H+ आयन लेते हैं तो हमको पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन मिलती है जो कि एक डाई है। है रिएक्शन विद पैथालिक एनहाइड्राइड, तो फिनॉल और पैथालिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में और हमें फिनोफ्थलीन मिलती है जो कि डाई है। हमने यहाँ दो फिनॉल का यूज़ किया है और ये पैथालिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, तो हम फिनॉल को एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको मिलता है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। देन नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिनॉल को CrO3 या एयर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको मिलता है पैरा बेंजोक्विनोन। नेक्स्ट रिएक्शन है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो हम फिनॉल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं निकल एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं 160 डिग्री सेल्सियस पे तो हमको साइक्लोहेक्सेनॉल मिलता है। तो हम मिक्सचर लेते हैं उसके वेपर का फिनॉल के और हाइड्रोजन को और पास करा हमने इसको निकल कैटलिस्ट से और हमको प्रोडक्ट मिल गया साइक्लोहेक्सेनॉल। फॉर नाउ थैंक यू।